Good morning. Welcome to online class, lesson 3, book behind, The Little Girl. Lesson का नाम है, इसके लेखक हैं कैथर मांसफील्ड. एक छोटी बालिका, उसके बारे में ये कहानी है कि अपने पिता के प्रति भावनाओं को बदल देती है, जिन्हें समझ पाने के कारण वह भयपूर्ण थी और शायद हर शब्द हर घर में यह प्रतिध्वनित होती. अपने माता पिता को बेहतर तरीके से समझाती है. क्या तुम उसके पूर्व व्यवहार या तुम्हें जो परेशान कर रहे और उनके कारणों को क्या समझ रहे थे? चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं. देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस. आपको प्रश्न के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है. ठीक. क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई वाज केजिया, केजिया को नन्ही बालिका का नाम, अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? केजिया वाज अफ्रेड टू हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक काइंडली. उसके फादर से अच्छे से बात नहीं करते ना. टू हर शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम एंड लुक्ड अपॉन हिम एज अ टेरिबल पर्सन टू बी अवॉइडेड. वो उस अच्छे से जो बात करती थी उसको, हर चीज को वो उसके पिता अवॉइड करती थी. क्वेश्चन नंबर टू, टू वॉज परिवार में कौन कौन से लोग थे? उत्तर है इसका, they were only three persons. तीन लोग थे, उसके पिता, मदर, माँ एंड ग्रैंडमदर, यानी दादी. दादी हमेशा उसका पक्ष लिया करती थी. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन व्हाट वेज डिड केजियास grandmother encouraged her to get to know her father better. Kezia की जो दादी थी वो उसको हमेशा उत्साहित करती थी कि वो अपने पिता से और अच्छे से पेश आए. Answer, on Sunday grandmother encouraged Kezia to go to her father and have a nice talk with him. ठीक है. एक दिन रविवार का दिन था, केजिया को उनकी दादी ने कहा कि पापा कहीं जा रहे हैं तो वो उससे अच्छे से बोले कि मुझे भी ले चलो. देखिए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग, कठिन शब्द जो दिए थे आपको उसके अर्थ आप सुने ध्यान से. सी ए एस यू ए एन लापरवाही. आर ई एल आई ई एफ रिलीफ, रिलीफ है कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम होना. नेक्स्ट S T A R C A S E, staircase, steps, यानी होता है कदम. Next, T A K E O double F, take off, remove करने, यानी हटाना. Next, T E double R I F Y I N G, terrifying, मतलब causing fear, यानी डर लगना. नेक्स्ट एस टी यू डबल टी ई आर ई आर, स्टटर यानी हकलाना. नेक्स्ट जी आई ए बी ई एल वाई ग्रेवली, यानी सीरियसली यानी गंभीर. नेक्स्ट स्क्रैप्स एस सी आर ए पी एस, बिट्स ऑफ.
scraps scraps मतलब होता है खरोंच, ठीक है। होमवर्क है, रीड द लेसन केयरफुली। आप जब आप इसको लेसन को पढ़ेंगे, बुक खोल के आप लेसन पढ़िए, ठीक। उसके बाद राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन नोटबुक, लर्न क्वेश्चन और आंसर, इसे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। चेक स्पेलिंग केयरफुली, स्पेलिंग को जरूर ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे उसको भी लिखेंगे कॉपी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए।